हेलो एवरीवन, आज चाइना में नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग आज शुरू कर रहे हैं हम सीधा शेंजन से। बस अभी मैं नहा के बाहर निकला हूँ, आप रूम देख सकते हैं पीछे मेरे, अभी फैला हुआ है जो भी है, लेकिन अभी बस प्रेस करनी है टी शर्ट वगैरह, शर्ट जो मैं पहनूंगा वो प्रेस करनी है। और वो प्रेस मंगाना ही पहाड़ है, आपको पता है यहाँ पर लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर है कि अब मैं उनको आयरन बोलूँ जो मर्जी बोलूँ वो कुछ नहीं समझने वाले। अब देखना है मैं प्रेस कैसे मंगाता हूँ। अभी प्रेस मंगाने के लिए मैंने इसमें टाइप किया है गूगल ट्रांसलेटर में, अब इससे बुलवाऊंगा और उनको फ़ोन में सुनाऊंगा, फिर वो प्रेस भेजेंगे, ऐसे ही सुनाऊंगा। अब उनको फ़ोन करता हूँ। हेलो, आई नीड आयरन, आई नीड आयरन, आयरन फॉर क्लोथ्स। ओके बाय बाय बाय। देखा तो आपने, मंगा तो ली उसने, और लास्ट में ओके ओके तो किया दो बार, पता नहीं क्या ओके किया है उसने। देखते हैं आयरन आती कि नहीं आती है, अभी वेट करते हैं आराम से। बाकी आपको तब तक बाहर का व्यू दिखाता हूँ, होटल का जो बाहर का व्यू आ रहा है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है बाहर, कल से लगी हुई है मेरे को तो। आज मैंने न्यूज़ में बड़ा आज मैंने देखा है, आज चाइना में जहाँ पे जिसमें स्टेट में हूँ शेंजन और गुंजाओ, यहाँ पे तूफान की बहुत भारी अलर्ट है और बारिश का भी बहुत भारी अलर्ट है, और यहाँ पे इस वजह से कुछ पब्लिक कन्वेंस वगैरह सारे काफ़ी बंद है इस टाइम। मेरे को तो पता नहीं था, आजकल पता लगा, मेरे को कहीं जाना था तो वहाँ पे पब्लिक टैक्सी वगैरह मिल नहीं रही थी, तो आज मेरे को पता लगा है प्रॉपर कि क्यों वो नहीं मिल रही थी, आज अलर्ट है इसमें। तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बारिश लगी है, बिल्डिंग वगैरह दिखाता हूँ आपको। भाई अपना आयरन आ गया शायद, टक टक तो हो ही है, देखते हैं आयरन ने क्या है। ओ शशे अवश्य, ओके ओके। अभी जस्ट होटल के बाहर आ गया हूँ, आज जहाँ पे काम करने जाना है वहाँ पे निकलेंगे। अभी मैंने टैक्सी बुक कर दी है, टैक्सी तो बुक कर दी है, लेकिन यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, जगह जगह से पानी जैसे गिर रहा है, इतना तेज़ तेज़ पानी गिर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़। अभी टैक्सी जैसे बुक की है मैंने, आ रही है, दो चार मिनट में पहुँच रहेगी। टैक्सी में बैठ के निकलते हैं, आज का काम निपटाते हैं और साथ में जो आपको व्यू दिखेंगे वो सारे व्यू दिखाएंगे। अभी एक जगह से काम निपटा के दूसरी जगह के लिए निकल गया हूँ, टैक्सी एक और बुक कर ली है नहीं, जहाँ पे जाना है अभी, एक जब जहाँ पे अभी काम था वहाँ पे जब आना था तो रास्ते में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो फिर मैंने बात वगैरह करवाई तो जाके थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हुई, जिसके पास मेरे को जाना था सप्लायर के पास, तो अभी वहाँ से काम निपटा के उनके ऑफिस से अभी जस्ट निकला हूँ। लेकिन जिसके पास फ्रूट्स नहीं थे, थोड़े से पीनट्स ग्राउंड्स वगैरह रखे हुए थे और उस सीड्स वगैरह थे दो चार पम्पकिन सीड्स वगैरह, तो ज़्यादा तो खाई नहीं। चाय वगैरह इनकी बड़ी होती है, चाय पी अपना मस्त, चाय बढ़िया बना रही थी, चाय भी अब थोड़ा मोटा चाय और पी सीड्स वगैरह खा के अभी दूसरे बंदे के पास जा रहा हूँ, बस वहाँ पे काम ख़त्म करके शाम को आज प्लान है, अगर टाइम मिला तो एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा है मैंने शेंजन में, ढूँढा है तो वहाँ पर जाएँगे शाम को आज। एक बार देखता हूँ, पहले काम निपटाते हैं, क्या टाइम बचता है, क्या होगा टाइम का सिस्टम, फिर देखते हैं निकलते हैं फिर उसके बाद। अभी जस्ट काम ख़त्म करके निकल रहा हूँ, अभी बहुत दूर जाना है, 100 किलोमीटर है जहाँ पे जाना है अभी, तो अभी बस
हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है उसका स्टेशन पे जाऊंगा, वहाँ से लेते हैं स्पीड ट्रेन। अभी ये फ़िलहाल मेरे को स्पीड ट्रेन से छोड़ेंगे जो स्टेशन है, उसके बाद वहाँ से ट्रेन लूँगा। अभी जस्ट मेरे को हाई स्पीड का जो स्टेशन है बुलेट ट्रेन का, वहाँ पे बंदा उतार के चला गया है। लेकिन अभी यहाँ पे उतर तो गया हूँ, लेकिन अभी अंदर जाके मैंने पता किया पीछे स्टेशन के, तो जहाँ मेरे को जाना है पहले तो वहाँ की ट्रेन ही नहीं है, और उसके आगे पीछे की ट्रेन है लेकिन वो भी अभी 9:30 बजे के बाद की है, मतलब 10 बजे के आसपास की है। अभी यहाँ पे 7 बजे हैं, 7:30 हो गए हैं, 2 घंटे बाद की है। 2 घंटे बाद भी मेरे को वो 1 घंटे 10:30 पहुँचाएगी, 10:30 वो पहुँचाएगी, तो वो भी पता नहीं कहाँ पहुँचाएगी। अभी दुविधा में फंस गया हूँ, ना किसी को कुछ इंग्लिश आती, ना तो कोई और भाषा, अब फंस गया हूँ, अब किसको पूछूँ। तो अभी मैं ना फिर अपने एक यहाँ पे कोई एक सप्लायर जिससे मेरा डील होती रहती है, अपना दोस्त ही है वो भी, उसको फ़ोन किया है। वो यहाँ से कोई 1 घंटा दूर है कहीं पे, तो वो मेरे लिए कहीं टैक्सी का अरेंज कर रहा है कि यहाँ से मेरे को कहीं पे वो उसकी जगह है वहाँ पे लेके जाएगा, फिर वहाँ पे मैं अपना होटल बुक कर लूँगा आज फ़िलहाल के लिए। फिर कल निकलते हैं जहाँ पे जाना था मेन जगह शेंजन पे, तो कल निकलेंगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहीं कहीं आसपास वो जहाँ मेरा दोस्त भेजेगा मेरे को वहाँ पे अब होटल बुक करते हैं फिर, क्योंकि अभी जाऊँगा अब 9:30 मतलब 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो ट्रेन आएगी, फिर उसके बाद भी कहाँ उतारेगी वो पता नहीं, किसी से ना पूछ सकते ना कुछ, वो चक्कर है सारा। तो अभी यहीं पे कहीं आसपास जो वहाँ पे भी होटल मिलता है होटल लेके रुकते हैं, फिर यहाँ पे आज रात निकालते हैं। अभी बस टैक्सी में बैठ गया हूँ, अभी टैक्सी से होटल में जा रहा हूँ, यहाँ पे आसपास में होटल ले लिया एक बार, जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है उसके आसपास ही ले लिया होटल, क्योंकि सुबह यहीं से जाना है, फिर ज़्यादा दूर जाके फ़ायदा नहीं, तो उसने यहीं पे आसपास ही मेरे को बताया, तो वहाँ पे मैंने होटल ले लिया। तो वहाँ से फिर अब सुबह निकलेंगे, तो अभी एक बार के लिए होटल जाता हूँ, होटल में मिलता हूँ सीधा आपसे। फाइनली अभी होटल में पहुंच गया हूं, यहां पे रूम वगैरह ले लिया है, चेक इन करके होटल के रूम में फाइनली पहुंच गए हैं। तो अभी बस जस्ट पहुंचा ही हूं, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा, कि आपको फ्रूट्स वगैरह ही मिले थे वो खाए थे थोड़े बहुत, और सुबह से तो मतलब गर्म पानी चाय और फ्रूट्स इस पे ही हूं। अभी रात हो गई है, 9:30 तो हो गए हैं। अभी जो हल्दीराम का अपने पास खाना है वो बनाएंगे, वो खाना बनाता हूँ और वो खा के फिर आराम से रेस्ट करेंगे। रूम ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ रूम का, बढ़िया रूम है ये। अभी कोई मेरे को 688 RMB के आसपास का पड़ा, तो मोटा मोटा इंडिया का हो गया कोई 8,000 के आसपास का पड़ेगा, होगा लगभग 7.5-8 के बीच में पड़ेंगी कैलकुलेशन। तो बढ़िया रूम है, ठीक है इतना तो वर्थ है रूम का, बढ़िया। आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ रात का, सुबह तो रात का व्यू नहीं देखने को मिलेगा। ये बाहर का थोड़ा ओवर भी हुआ शायद, इसमें ना शेडो बढ़ रही है, दिख नहीं रहा होगा। अभी फटाफट बस खाना बनाऊंगा और खाऊंगा। आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी ने पुराना एपिसोड नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके पुराना एपिसोड देख सकता है। और मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।